हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 AI ML ट्रेंड्स की, जो कि या तो अभी ट्रेंडिंग है या तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, सीधी बात नो बकवास। सो आज हम बात सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कोई मैसेज या ईमेल आया जिसमें कि कोई सस्पिशियस लिंक होता है या ऐसा ऑफर होता है, और गलती से अगर आपने उसके ऊपर कभी क्लिक किया है या कर दोगे तो आपका हाल भी इन भाई साहब के जैसा हो सकता है, क्योंकि आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है और आगे आने वाले टाइम में जो है साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ AI एंड ML टेक्नोलॉजी। सो उसमें बेसिकली आपका क्या रहेगा कि जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जो चीजें हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ AI ML एल्गोरिथम्स एंड AI ML बोट्स। आप जो है उनको इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जनरल भाषा में जल्दी से बता देता हूँ कि क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता है कि आपके घर के सारे डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताऊँ तो आपके घर में जैसे कभी एलेक्सा यूज किया है या फिर गूगल होम, जो कि वॉइस असिस्टेंट होते हैं और आप कमांड देते हैं कि जैसे कि स्विच ऑन द लाइट, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। सो वो बेसिकली क्या होता है कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल है कि आपके दो डिवाइस जो हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक डिवाइस से आप कमांड देते हो और दूसरा डिवाइस जो है एक्शन लेता है। सो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डोमेन है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले IoT वाले डोमेन में भी AI ML की एंट्री जो है होने वाली है। AI पावर्ड बोट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कि AI पावर्ड बोट जो हैं आपके IoT इंटरनेट IoT के डिवाइसेज को जो है मॉनिटर कर रहे हैं या उनको टेक केयर कर रहे हैं या उनको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि एक ही स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को वर्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये कोई ह्यूमन ही ह्यूमनॉइड है जो कि बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखते हैं और एक्चुअल में AI बेस्ड रोबोट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटावर्स की। मेटावर्स आप सभी को आइडिया होगा ही, आपने अपनी रियल लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। मेटावर्स बेसिकली क्या होता है कि वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। आपने अगर आप कभी मॉल में गए हैं या फिर जैसे गेमिंग पार्लर में गए हैं, आपने जैसे वो एक डिवाइस, बड़ा सा डिवाइस रहता है अपनी आंखों के ऊपर लगाया है और आपने जैसे ही आप अपनी आंखों के ऊपर लगाते हो आपको लगता है कि आप किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हो। तो आपको अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस होती है, वो आपका मेटावर्स होता है। लास्ट ईयर आपको याद भी होगा कि फेसबुक ने इसके ऊपर हैविली इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया और इसी के चलते उन्होंने अपना कंपनी का नाम भी चेंज कर लिया, फेसबुक से मेटा रख लिया। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब मार्क जुकरबर्ग ने जो एक डेमो दिया था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो उन्होंने अपने एक वर्चुअल अवतार को जो है एक्सेस करके दिखाया था और डिफरेंट उस डेमो में डिफरेंट चीजें उन्होंने करके दिखाई थी। सो वो एक बहुत ही छोटा सा आप बोल सकते हैं कि एक टीजर था मेटावर्स का, वो मेटावर्स था। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि मेटावर्स इज गोइंग टू बी पावर्ड विद द हेल्प ऑफ AI एंड ML टेक्नोलॉजीज। सो अगर मैं एक और रियल लाइफ अगर आपको एग्जांपल दूं तो आने वाले टाइम में डेटिंग्स जो हैं AI ML के थ्रू मेटावर्स में होगी, ये डेफिनेटली होने ही वाला है। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले 2-4-5 साल में आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो उसमें जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग मीटिंग्स जो करते हैं, ऑफिस की मीटिंग्स जो करते हैं वो वीडियो कॉल ऐप्स के थ्रू करते हैं। जूम हो गया, टीम्स हो गया या जो भी डिफरेंट ऐप्स हैं, आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स एंड दैट मेटावर्स इज बीइंग असिस्टेड विद द हेल्प ऑफ AI एंड ML टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं AI एंड एथिक्स की। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, डेफिनेटली देख ही पा रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि एलोन मस्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और वो WWF फाइटर है नाउ। अब आप सोचेंगे कि एलोन मस्क WWF फाइटर कब से हो गए। ये भी AI और ML टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी होती है डीप फेक करके। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप किसी एक इमेज को या वीडियो को दूसरी इमेज या वीडियो के ऊपर ऐसे फिक्स कर सकते हैं यूजिंग दैट
डीप फेक टेक्नोलॉजी, यू विल फील कि वो एक्चुअल में वही है। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये इमेज जो है एक्चुअल में ब्रोक लेसनर की है, और उसकी इमेज के ऊपर जो है एलोन मस्क की इमेज को जो है उस वीडियो के ऊपर एलोन मस्क की इमेज को यूजिंग डीप फेक अटैच किया गया है, एंड यू कैन सी द मैजिक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सेम वे एल्बर्ट आइंस्टाइन आप देख सकते हैं कि इसमें मुस्कुरा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं एंड इधर उधर देख रहे हैं। ऐसा एक्चुअल में उनका कोई भी ऐसा इमेज या वीडियो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये भी बनाया गया है यूजिंग डीप फेक। बेसिकली अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में अगर आपको बताऊं तो अगर मैं भी जैसे अगर स्माइल करके और इधर उधर ब्लिंक करके ऐसा ही सिमिलर एक्सप्रेशन दे के रखूं, एंड देन मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेज को लेता हूं और मेरे एक्सप्रेशन वाली वीडियो के ऊपर ऐसे फिक्स कर देता हूं यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट लाइक कि आप एक्चुअल में ऐसे ही कर रहे हैं, इट्स जस्ट मैं वो साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिल सकता है। सो ये डोमेन और ये जो है ये भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एंड AI की, जो कि ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आई वांट द कार दैट ड्राइव्स इटसेल्फ, एंड उसके बाद एलोन मस्क ने सुना और ही इज लाइक कि भाई मैं गांजा फूंक रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम, टेस्ला इज ऑलरेडी डूइंग दिस। सो टेस्ला की कार ऑलरेडी ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, और वो दे आर सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड विद अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी। सो ऑल दीज आर हाईली ट्रेंडिंग डोमेन विच आर रिलेटेड टू AI एंड ML। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो वट आई कैन इम्प्रूव अपॉन। उसके अलावा अगर आप मशीन लर्निंग AI और डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं और एब्सोल्यूट बिगनर है, उसके लिए भी मैंने पूरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप देख सकते हैं, चेक कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो वो बताइए। ऐसे ही डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एडिशनल वीडियोज भी मेरे चैनल पर मिलेंगी, जैसे कि अगर आपको AI ML में कोर्स करना है, कौन कौन से प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो ये सब ऑफर करते हैं, उनकी फीस कितनी है और प्रोसेस क्या होता है उनमें एडमिशन लेने का, कहाँ और वो सब। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है AI ML का, वो सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, वो सब बहुत सारी चीजें जो हैं इस चैनल पे आपको मिलेंगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब इट, और फ्यूचर में आपको जो है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मिलने वाली हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।